आरबीआई में जो आपकी वैकेंसी आई ग्रेड बी की, इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बिना किसी गलती का लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर न्यू इनविटेशन पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखते रहें। यहाँ से आपको बेसिक डिटेल आपकी वो फिलअप करनी है, आपको जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डिटेल वही डालनी है आपको। यहाँ से आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, कन्फर्म करेंगे फर्स्ट नेम को, उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ से अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ से अपना डोमेन नेम, जो भी आपकी ईमेल आईडी का डोमेन नेम है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी कंप्लीट आपको ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ से आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ से सेव एस नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से फिलअप करके आपको सेव एस नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही अपनी डिटेल आप फिलअप करते, देखिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ से आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है, यहाँ से अपना फोटो अपलोड करना आपको। उसके बाद कन्फर्म करेंगे, यहाँ से अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप, उसके बाद यहाँ से कन्फर्म करेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल आपने डालनी है अच्छे से, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC ST OBC WS जनरल, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC ST OBC WS से, तो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो इसे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल आपको डालनी है, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं आप। नो करने के बाद आपके ऑप्शन ये ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ से अपनी जो कोडिंग, यहाँ से PhD क्वालिफिकेशन ये सुनो अपने कोडिंग करेंगे, एक्सरिसमैन है ये सुनो अपने कोडिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉय हैं ये सुनो अपने कोडिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, जो भी है अपने कोडिंग यहाँ से आप सेलेक्ट लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ से आप यस करेंगे, जैसे यस करते हैं उसके बाद यहाँ से अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ से अपना जो आपका एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, उसके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने चंडीगढ़ डाल दिया, उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर अपने चूज कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से फेज़ टू के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे, जहाँ पर भी आप फेज़ टू के एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट UT सभी दी गई इसमें, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मेल फीमेल कैंडिडेट जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके सिस्टर और ब्रदर है तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यस करने के बाद उनकी डिटेल आनी है, अगर नहीं है तो यहाँ से नो भी कर सकते हैं आप। जैसे नो करते हैं उसके बाद मैरिड अनमेरिड जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना फादर नेम डालना है आपको, मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप करना है, अच्छे से फिलअप करना है। यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, यहाँ से अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्टेट UT है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट लेंगे, सभी स्टेट UTs में दी गई हैं। उसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड डालेंगे, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी फ़ीस दिखा देगा, जो फीस लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये इसके लिए फीस लगेगी। उसके बाद यहाँ से सेव एस नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से फिलअप करके आपको सेव एस नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप डिटेल को सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी है। 1 जनवरी 2022 इससे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन हो कम्प्लीट होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ से आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है आपको। यहाँ से सब्जेक्ट स्ट्रीम डालेंगे, उसके बाद किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी वो डालेंगे, किस ईयर आपने की थी वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज जो मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, ग्रेड यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी ग्रेड थी। उसके बाद यहाँ से ही प्लस टू की डिटेल डालनी है आपको, यहाँ से इंस्टीट्यूट और स्टेट बोर्ड का नाम डालना है, किस ईयर आपने की थी, परसेंटेज जो मार्क्स क्या थी, यहाँ से अपनी सेकेंड जो भी ग्रेड थी आपकी स्कोर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है आपको, यहाँ से आप आर्ट साइंस कॉमर्स जिससे भी आपने कर रखी हो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, किस इंस्टीट्यूट से की थी, किस ईयर की थी वो यहाँ पर डालेंगे, कितने परसेंटेज जो मार्क्स थे यहाँ से अपनी ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी ग्रेड थी फर्स्ट सेकंड जो भी थी अपने अकॉर्डिंग। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
यहाँ से आर्ट साइंस कॉमर्स डिसेव कर रखे आपने वो डालेंगे, यहाँ से इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे किस ईयर की थी, परसेंटेज जो मार्क्स क्या थे, उसके बाद ग्रेड सेलेक्ट करेंगे अपनी। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज तो यस करेंगे, उसके बाद यहाँ से डिटेल डालनी है आपको, उसके बाद यहाँ से अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल डालेंगे आप कब से कब तक था, उसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज वो डालनी है, यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं जैसे मैंने हिंदी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से राइट रीड स्पीक तीनों पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप सेव एस नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से फिलअप करके आपको सेव एस नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही अपनी क्वालिफिकेशन आप अपलोड डेट डिटेल अपलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ से देखिए अपने फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखा देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, कैटेगरी आपकी, PWD कंट्री देते हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से आपने जो भी चेक किया था वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ से आप जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देगा आपको कंप्लीट, यहाँ से आपके एग्ज़ाम सेंटर जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर दिए थे आपने वो अकॉर्डिंग यहाँ से दिखा देगा, जो आपकी फ़ीस लगेगी 850 रुपये इसके लिए आपकी फ़ीस लगेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी में वो आपकी जेंडर दिखा देगा मैरिड अनमेरिड जो भी आपका फादर नेम मदर नेम, यहाँ से आपको कंप्लीट एड्रेस वो आपको दिखा देगा, यहाँ से आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखा देगा, यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आपकी डाली है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको लेफ्ट थंब है जो वो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है अपलोड करना है, उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन दिया गया ये अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेव एस नेक्स्ट फॉर्म है जल्दी से फिलअप करके अपलोड करके सेव एस नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप डिक्लेरेशन और अपना लेफ्ट थंब पर इसे अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ से आपकी फ़ीस आपको दिखा देगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये फीस है, उसके बाद ये कैप्चा आपको फिलअप करना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। मैं आपको जल्दी से फिलअप करके और सेव करके दिखाता हूँ। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बिना किसी गलती के, यही प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। देखिए जैसे इस पर सबमिट करते हैं यहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट के ऑप्शन पर, यहाँ से जैसे चाहे अपनी फीस आपको पे करनी है। देखिए यहाँ से आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से अपनी कंप्लीट डिटेल डालेंगे और यहाँ से आपको फीस पे हो करनी है। मैं आपको जल्दी से फीस पे करके दिखाता हूँ कैसे अपनी फीस पे करनी है आपको। देखिए जैसे ही अपनी फीस पे कर देते हैं आपका फॉर्म है वो कम्प्लीट हो जाता है, यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप बिना किसी गलती के। लाइव प्रोसेस दिखाया मैंने इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक जरूर करें और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।